हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे थे चितेरा पब्लिकेशन का, उसका ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 27 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग 60 प्रश्नों का जो आंसर है उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको हम लोग देख लेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ या फिर लाइव आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बनी ठनी का चित्रण किसके किसने किया था? लाडली दास ने किया था, सूरजमल ने किया था, सीताराम ने, निहाल चंद ने। 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निहाल चंद, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साहिबराम नामक चित्रकार किस शैली का था? नाथद्वार का था, कोटा का था, किशनगढ़ का था या फिर जयपुर का था? दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत नहीं सही है, 2 दिन से जुकाम हुआ है तो इसीलिए लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास अब 1-2 दिन बाद ही लेंगे, ठीक है, तब तक रिकॉर्डेड क्लास अब तक मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस 62 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये जयपुर शैली के था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, साहिबराम नामक चित्रकार किस शैली का था? नाथद्वार का था, कोटा का था, किशनगढ़ शैली का था या फिर जयपुर शैली का था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोधि शैली का चित्र रागनी भैरवी किस संग्रहालय में है? 63 का देख लेते हैं हमारा क्या राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन दिया है जयपुर संग्रहालय, नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद, भारत कला भवन वाराणसी, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कहाँ संग्रहित है आपका, नगर निगम संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक पटचित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ है? बोधि शैली में हुआ, कोटा शैली में, नाथद्वार शैली में, अलवर शैली में? तो 64 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाथद्वार शैली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अली रजा किस शैली का चित्रकार था? कांगड़ा, कांगड़ा, बसोली, जयपुर या बीकानेर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बीकानेर। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? अलवर शैली, बीकानेर शैली, मुगल शैली, जैन शैली? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, बीकानेर शैली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं पर्सी ब्राउन है, आनंद कुमार स्वामी है, डब्ल्यू जी आर्चर है, राय कृष्णदास है? तो 67 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 67 का सी हो जाएगा, डब्ल्यू जी आर्चर, ठीक है, डब्ल्यू जी आर्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? आनंद कुमार स्वामी को, राय कृष्णदास को, मूर क्राफ्ट को, मैट कॉफ को? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैट कॉफ को जाता है, ठीक है, मैट कॉफ को जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांगड़ा शैली के चित्र किस कागज पर बनाए जाते थे? सियालकोटी कागज, दौलताबादी कागज, बासी कागज, हरीरी कागज? तो
तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 69 का ए हो जाएगा, सियालकोटी कागज़ पर बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली से संबंधित है? कांगड़ा, बसोली, चंबा, मंडी। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मंडी शैली से संबंधित है, ठीक है, मंडी शैली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने हैं? कुल्लू शैली, अलवर शैली, सिख शैली, जैन शैली। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सिख शैली में बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? संसार चंद, घमंड चंद, विनय सिंह, राजसिंह। 72 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसार चंद, ठीक है, संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का, कंपनी शैली में चेहरे किस चश्म के बनाए जाते थे? एक चश्म के बने हैं, या सम्मुख, या डेढ़ चश्म, या सवा चश्म। 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, डेढ़ चश्म की बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद व गोपाल चंद किस चित्रण की में पारंगत थे? पशु चित्रण, व्यक्ति चित्रण, भित्ति चित्रण, ग्रंथ चित्रण। तो 74 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये व्यक्ति चित्रण में क्या थे, पारंगत थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो आनंद कुमार स्वामी ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने, या फिर गगनेनाथ टैगोर ने। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गगनेनाथ टैगोर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर नंदलाल बसु ने, या फिर राजा रवि वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ ने भारत माता का चित्रण जो किया था किस टेक्निक में किया था, ये बताना है, तैल चित्रण में, वाष्प चित्रण में, पेस्टल चित्रण में, या कोला चित्रण में। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाष्प टेक्निक में किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? कृष्ण खन्ना, हरमन गोयट, देवी प्रसाद राय चौधरी, ईवी हेवेल। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1860 में, 1861 में, 1867 में, या फिर 1871 में? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, 1861 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? समुद्र था, प्राकृतिक था, बैल था, या पौराणिक? तो पौराणिक कथाओं पर वो चित्रण किया करते थे, इनका ये प्रमुख विषय था, ठीक है, पौराणिक कथाएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी, यामिनी राय को दी थी, हुसैन को दी थी, अमृता सेलगीर को दी थी। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यामिनी राय, ठीक है, यामिनी राय इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिया सरहदी की फिल्म हम लोग का कला निर्देशन किसने किया था? हुसैन ने, कनु देसाई ने, मंजीत बाबा ने, के एच आरा ने। तो 82 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के एच आरा ने इसका निर्देशन किया था, ठीक है, किया जा रहा। श्रीलंका का कैंडियन लोक नृत्य किसकी उत्तम कृति मानी जाती है? जॉर्ज किट की मानी जाती है, शाबक्स चावड़ा की मानी जाती है, कवल किस्ट की, या तैयब मेहता। 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, शाबक्स चावड़ा को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में अमूर्तता की शुरुआत किस कलाकार ने किया था? राम किंकर बैज ने, रजा ने, सूजा ने, या फिर
राम कुमार ने। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, राम कुमार ने किया था, ठीक है, अमूर्तता की शुरुआत राम कुमार ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कृष्ण देव यानी जो देव यानी कृष्ण किस ग्रुप के कलाकार हैं, पैक ग्रुप के, दिल्ली शिल्प चक्र के, बॉम्बे ग्रुप के, कलकत्ता ग्रुप। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अमरनाथ सहगल किस विधा में पारंगत है, ग्राफिक्स, म्यूरल, मूर्तिकार, स्थापत्यकार। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, मूर्तिकार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार हैं हुसैन, विकास भट्टाचार्य, रामेश्वर ब्रूटा, बीसी सान्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य, ठीक है। गुड़िया श्रृंखला किसने बनाया था, विकास भट्टाचार्य ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देख लेते हैं, रेखा के कितने आयाम होते हैं, यानी रेखा कितने आयामी होती है, 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दो आयामी होता है, ठीक है, दो आयामी होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, हैचिंग किसे कहते हैं, अहरिक वर्तना को, पत्र वर्तना को, या बिंदु वर्तना को, रेखा वर्तना को। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखा वर्तना को कहते हैं आप हैचिंग, ठीक है, हैचिंग कहा जाता है रेखा वर्तना को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है, नारीत्व का, पौरुष का, पतन का, दृढ़ता का। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये पौरुष का क्या है, प्रतीक है माना जाता है, ठीक है, पौरुष का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बॉडी कलर क्या है, श्वेत मिश्रित रंग है, पेस्टल रंग है, तैल रंग है, या फिर चूड़ित रंग है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत मिश्रित रंग है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ओके। दोस्तों जो चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, घन के कितने आयाम होते हैं, 6, 4, 3, 2। तो दोस्तों घन के कुल 3 आयाम होते हैं, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 92। 93 नंबर का प्रश्न है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, बैंगनी, हरा, पीला, नीला। तो 93 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा, ठीक है, हरा हमारा विरोधी रंग है लाल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 94 नंबर का, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, काला में, सफेद में, हरा में, पीला में। तो सबसे अधिक मतलब दोस्तों तीव्रता प्रकाश में किस रंग की होती है, तो होती है वो आपका पीला में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, खसड़ा किसे कहते हैं, खसड़ा, 95 नंबर का प्रश्न है, चित्रण को, शेड को, स्केच को, इनमें से कोई नहीं। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन त्रय संयोजन का सिद्धांत है, वर्णिका भंग है, लय है, घनत्व तो है, रंगत है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, लय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देख लेते हैं, कलाकार चित्रकार करता है, कहाँ पे करता है, अंतराल में करता है, पोत पर करता है, रूप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतराल, ठीक है, अंतराल जो होता है कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, ईंटों से बना प्रथम मंदिर है, बताएं, ऑप्शन दिया है, भोर देव मंदिर, भीतरगांव मंदिर, तेली मंदिर, या रवो शिव का मंदिर, ठीक है। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका कानपुर में है भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था,
गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, या फिर चंदेल वंश में, या फिर कुषाण वंश में। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंदेल वंश ने करवाया था। ठीक है, चंदेल वंश ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बिहार में। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोजल गुफा स्थित है इटली में, भारत में, फ्रांस में, चीन में। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फ्रांस में ये गुफा स्थित है। ठीक है, लोजल फ्रांस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से मिली है? बिहार से मिली है, कुर्की बिहार से, या पेशावर, या मथुरा। तो 102 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ से मिला है? ये आपका मथुरा से मिला है। ठीक है, मथुरा से मिला है विष्णु की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 103 नंबर का, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था? भारत में, जापान में, ब्रिटेन में, पेरिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया था भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एफिल टावर स्थित है इटली में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। तो 104 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रीतिवाद क्या है? कला आंदोलन है, प्रदर्शनी है, बियर बार है, या फिर मंदिर शैली है। तो रीतिवाद दोस्तों क्या था? ये कला आंदोलन था। ठीक है, कला आंदोलन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया था? घनवाद में, प्रभाववाद में, दादावाद में, या फिर फाववाद में। तो 106 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रभाववाद। ओके, प्रभाववाद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 107 नंबर का प्रश्न है, ओरना का दफन संस्कार चित्र किसने बनाया है? दिलाकरा ने, अग्र ने, कुर्बे ने, दोमी ने। तो 107 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुर्बे ने बनाया था। ठीक है, कुर्बे ने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं वात्स्यायन, मेघस्तनीज, कौटिल्य, भारत, भरत। तो 108 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेघस्तनीज। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिका मेघस्तनीज ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 109 नंबर का, गोथिक कला का प्रादुर्भाव हुआ था जापान से, या फिर न्यूयॉर्क से, फ्रांस से, इटली से। तो 109 नंबर का जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये फ्रांस से हुआ था। ठीक है, फ्रांस से हुआ था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, होरेसियो का प्रण नामक चित्रकार हैं, ज्योतो है, एंजेलो है, डेविड है, सेजान है। तो 110 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डेविड। ठीक है, डेविड इज द राइट आंसर, डाविड या डेविड। पिकासो का जन्म हुआ था नॉर्वे में, हुआ था हॉलैंड में, हुआ था अम्ब्रिया में, हुआ था स्पेन में, हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 111 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, स्पेन में। ईजल प्रयुक्त होता है, कहाँ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया है, तैल चित्र में, पेस्टल में, या फिर आपका जल रंग में, फैब्रिक में। तो 112 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा तैल चित्रण में। ठीक है, तैल चित्रण में ईजल का प्रयोग किया होता है, तैल चित्रण में। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? राजा रवि वर्मा, एपिलीज को, बर्निनी को, या फिर विहचात को। 113 नंबर का प्रश्न है, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विहचात। ठीक है, विहचात इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 114 नंबर का प्रश्न, एबीसी कला वीथि का स्थित है इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में, मथुरा में। 114 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, एबीसी कला वीथि का। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेल्टिंग वॉच के चित्रकार हैं तो कौन है? टर्नर है, पोलाक है, डाली है, या फिर पिकासो। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बृहद कला मंजरी के लेखक हैं क्षेमेंद्र, भरत मुनि, शूद्रक, जयदेव।
तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, क्षेमेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहू, बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, असम का है, पंजाब का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जैक्सन पोलाक कहाँ के चित्रकार हैं, स्पेन के, अमेरिका के, रोम के, टोक्यो के। तो 118 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका के ये क्या थे, कलाकार थे, ठीक है, अमेरिका के कलाकार थे, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाल किली का जन्म हुआ था, पाल किली का जन्म हुआ था 1878 में, 1879 में, 1890 में, 1881 में। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, 1879 में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है हमारा, कोलाज का आविष्कार किया था पिकासो ने, ब्रॉक ने, मातिस ने, अर्नेस्ट ने। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ब्राक ने किया था, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, डिवाइन पेंटर कहा जाता है, विंची को, राफेल को, एंजिलो को, टीसिया को। तो 121 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सोती हुई वीनस को किसने चित्रित किया है, जियोटो को, जॉर्जियन को, रिनब्रा को, रूबेंस को। 122 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे, पेरुजिनो थे, गिरलैंडियो थे, वेरोशियो थे, या जियोटो थे। तो 123 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है, ठीक है, पॉल सैंडबाई को, गुटेनबर्ग को, आइक बंदू को, सैंडफेल्डर को। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉल सैंडबाई को कहा था। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, भरत मुनि हैं, आनंदवर्धन हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्ट लोलक हैं। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो कैसा लगा प्रश्न जरूर बताइएगा, और लाइक बिना करे जाइएगा नहीं, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।